बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पर खेल के ले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त एशिया कप T20 जारी है, जहाँ हम देखते हैं कि आज पाकिस्तान का बड़ा अहम मैच जो है हांगकॉन्ग के खिलाफ शाम के 7 बजे खेला जाना है। और इस वक्त हम देखेंगे कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि नसीम शाह अनफिट है, हारिस रऊफ फिट है, उसके अलावा अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान को भी थोड़ी सी इंजरी प्रॉब्लम दिखाई देती है। अब गोके अब मैच शुरू होने में कुछ वक्त रह गया है, तो देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट किस किस्म की तब्दीली के साथ ग्राउंड में जो है टीम को उतारती है। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं हमारे साथी एक्सपर्ट जाफर हुसैन साहब, जो हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते हैं, और उनके साथ साथ आज हमने मोहम्मद निज़ाम साहब को इनवाइट किया है, जो PPDCA के मीडिया मैनेजर हैं और क्रिकेट कराची क्रिकेट में काफ़ी क्रिकेट को ऑर्गेनाइज भी करते हैं। और उसके साथ साथ जो है हमारे साथ जो है जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे भी आज मैच के हवाले से सारे सूरताल पर बात करेंगे। सबसे पहले जाफर साहब के पास आते हैं। जाफर साहब, हांगकॉन्ग से मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, कोई भी टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल फोर के लिए, तो समझते हैं कि पाकिस्तान किस प्लानिंग के तहत जाएगा, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर में काफ़ी दुशारी पेश आ रही है, हमारे फास्ट बॉलर अनफिट होते दिखाई दे रहे हैं। देखें शहजादा मोइन साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और जिस शख्सियत को आज आपने बुलाया है निज़ाम साहब, ये वो शख्सियत हैं जो कि क्रिकेट में ही पैदा हुए हैं। हम तो कहते हैं हर ग्राउंड पे, हर मैदान में वहाँ पे मौजूद होते हैं, अब तो माशाल्लाह बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन गए हैं जो कि, और क्रिकेट के फ़रोग में जिनका जितना इनका किरदार है वो मुश्किल से कम लोगों का होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि निज़ाम भाई ने हमें जो है ना, जब भी हम इनसे मिलते हैं तो वो हमारी बड़ी खातिर तवाज़ा करते हैं, ये बात मैं आपको बताता चलूँगा। लेकिन अब जो बहुत शुक्रिया निज़ाम भाई आपका। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने कौमी टीम के हवाले से जो बात की, मैं कौमी टीम के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आधी टीम ही आपकी इंजर्ड है, तो आपको जाहिर से बात है फिर उनको चांस देना ही पड़ेगा ना, जिनको नहीं खिलाया आपने। इसलिए मैं आपसे पहले प्रोग्राम में भी कह चुका था, देखें आप हॉलैंड भी लेके जा रहे हैं, एक जख्मी खिलाड़ी को आप लेके जा रहे हैं, आप इंजर्ड खिलाड़ी को आप घुमा रहे फिरा रहे हैं, तो वो तो उसके लिए वबाले जान बन जाएगी। और वही हुआ शाहीन शाह आफरीदी को, क्या हुआ आपके सामने, इंग्लैंड भेजना पड़ रहा है। तो ऐसे प्लेयर्स को जब आप साथ रख रहे हैं और साथ रखने के बाद जो है ना वो इस तरह के मराहिल पे गुजर रहा है जिसमें वो चल भी नहीं सकता, तो उसको साथ रखने का फ़ायदा क्या था। एक तो ये गलती है मेडिकल पैनल की, एक तो ये गलती है, दूसरा ये कि जितने खिलाड़ी हैं उनका जो है ना वो आप 3 साल से मुसलसल देख रहे हैं कि वही खिलाड़ी खेले जा रहे हैं, वही खिलाड़ी खेले जा रहे हैं, किसी को चांस नहीं दे रहे, किसी को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे। आप अब देख, नसीम शाह को आपने खिलाया, नसीम शाह को भी उस टाइम मौका मिला है जब आपका जो है ना मैन प्लेयर जख्मी हुआ है, उसके बाद आपको जो है ना वो चांस दिया गया। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने आपके प्लेयर्स हैं जो कि आपके बैकअप प्लान में थे, वो आप रोटेशन पॉलिसी पे क्यों नहीं खिलाया आपने, उनको चांस देना चाहिए था। आप धानी को आप साथ रख के घुमाए जा रहे हैं लेकिन चांस नहीं दे रहे। हसनैन का भी वही चक्कर था, आपके सामने सऊद शकील का भी वही चक्कर था। चलें बैट्समैन में तो थोड़ा सा चांस ज़रा मुश्किल होता है जख्मी होने का, लेकिन यही हालात थे। आप अगर आपको याद हो, इससे पहले भी प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि अगर अल्लाह ना करे कि मोहम्मद रिजवान जख्मी हो जाते हैं या कोई बॉल लग जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो इनका रिप्लेसमेंट क्या है। अच्छा, पिछले मैच में हम देखते हैं कि 3 से 4 प्लेयर ऐसे थे जो ग्राउंड्स के अंदर जिनको फिटनेस मसाइल होती हुई दिखाई दे रही थी, उनमें मोहम्मद रिजवान भी शामिल थे। जी हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आपके तकरीबन 4 से 5 खिलाड़ी जो है ना फिटनेस मसाइल के शिकार, बल्कि मैं ये कहूँगा पूरी टीम। उसका रीज़न ये है कि ये सारे खिलाड़ी मुसलसल 3 साल से खेल रहे हैं, और आपका मेडिकल पैनल जो है ना वो आपको जो है ना, क्योंकि आप अगर मोहम्मद हफीज़ का बयान सुने तो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, उन्होंने कहा ये जो हमारे पास मेडिकल के लोग होते हैं इनको यही नहीं मालूम होता कि मसाजर कौन है और रिहेब क्या होता है और आपको जो है ना इंजरीज क्या होती हैं। तो मकसद ये है खेलने का कि आप टीम जो मुस्तकिल टीम मेंबर थे मोहम्मद हफीज, अगर वो ये बयान दे रहे हैं तो समझने के अंदर और भी बहुत सी क्या क्या चीजें होती नजर आती होंगी। जाफर साहब, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने नहीं आते। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि टीम के अंदर, क्योंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, आज आपको जो है ना जीतना लाजमी है। देखें हांगकॉन्ग को आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही हल्की टीम है, आप ये कह सकते क्योंकि क्वालिफाई करके आ रही है वो, और क्वालिफाई करके आ रही है तो इट्स मीन के कुछ ना कुछ तो है, जान तो है। अगर आपको कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई मिसहेप हो गया फिर क्या रहेगा। मिसहेप की बात कर रहे हैं, जिस तरह कोहली की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ फॉर्म थे, इन फॉर्म हो गए, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला, उन्होंने रन किया और उसके बाद अगले मैच में फिर उन्होंने रन कर दिया, तो हो सकता है आज हांगकॉन्ग भी कोई अपसेट करती दिखाई दे।
हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखें कोहली की अगर आप बात कर रहे हैं तो कोहली की टीम में जो मेन प्लेयर था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था जडेजा, वो जख्मी हो गए, टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसी तरह जो कोहली हैं उनका कॉन्फिडेंस अभी भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ है। देखें अगर आप उन्होंने जो शॉट्स खेले हैं जो उनका जो पहले खेला करते थे वो चीज़ नहीं है। इसके अलावा जो उन्होंने 48-49 रन बनाए हैं वो उन्होंने बनाए हैं आपके 38 बॉलों पर, तो मकसद ये है कि वो बॉलें ज्यादा खेलना, इट्स मीन कि वो अपने बिल्कुल इस पर मजीद भी बात करेंगे कोहली के ऊपर। निजाम साहब के पास आते हैं। निजाम साहब, अगर हम देखें हमारे बैटर्स पे, क्योंकि जो टीम हमारी मंतखब होती है उस पर फखर जमान है, बाबर हैं और रिजवान है, अगर ये तीन बैट्समैन अगर हमारे पास नहीं चलते हैं तो नीचे नंबरों पर हम मिडल ऑर्डर पर देखें हमारा फुकदान काफी अरसे से नजर आ रहा था लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। समझते हैं कि अगर आज के मैच में भी हमारे तीन ऊपर के नंबरों के रिजवान, बाबर और फखर ना चले तो जिस तरह पिछले मैच में हमारी सूरत हाल रही हमारे बैटर्स की, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया मुझे, और जाफर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत तारीफ कर दी, मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जब बात की है कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन की, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा वसीम, जो हमारे लैपटॉप चीफ सेलेक्टर जिनको कहा जाता है, मोहम्मद जी, मोहम्मद वसीम साहब, तो उनकी तरफ जाऊंगा कि उनके लैपटॉप में जो है वो शुएब मलिक का नाम नहीं आया, ठीक है जी, उनके लैपटॉप में शान मसूद नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े फ्लॉज उन्होंने किए हैं पाकिस्तान टीम के लिए कि जो मिडल ऑर्डर था उन्होंने क्लैश कर दिया उसको मेरी नज़र में बिल्कुल, क्योंकि मिडल ऑर्डर जो आपका ना धोखा है भाई, इफ्तिखार आपका धोखा है, ठीक है जी। अब आपने देख लें पिछले चंद मैसेज से जो है खुर्शीद भी जो है चलता हुआ खुशदिल भी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल खुशदिल पे आप भरोसा नहीं कर सकते, लाया नहीं कर सकते ना। अब शेर मलिक ऐसा प्लेयर था जो बैटिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी साबित होता आपकी, लेकिन आपने उसको बाहर बिठाया, अफसोस के मैच देख रहे हैं। शुएब मलिक जूनियर्स को अपने साथ लेकर चल रहा होता था उसके साथ, बिल्कुल यही बात है। लेकिन शहजाद भाई सबसे बड़ी बात पता है कि हमारे लिए अलमिया यह है कि हम अनफिट होकर भी खेलना शुरू कर देते हैं, हम चाहते नहीं कि हम अपनी जगह छोड़ेंगे ना, जगह छोड़ेंगे तो जरूर ये पता है कि कोई परफॉर्म कर देगा आगे तो फिर हम कैसे वापस आएंगे। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता यार, पाकिस्तान के लिए सोचो खुदा के लिए, हमारी ये नौबत आ गई है कि हम पाकिस्तान के लिए सोच रहे, अपने लिए सोच रहे हैं कि हम कंटिन्यू करते रहे बस। एक साल से एक बंदा अनफिट खेल रहा है, कहाँ है मेडिकल पैनल यार, कहाँ है डॉक्टर आपके, कोई सुनवाई नहीं है किसी की, सरफराज को प्लानिंग करके टीम से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल यार आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं, खुदा के लिए होश करें कुछ यार, ये हाल हो गया टीम का कि हांगकांग से जीतने के लिए दुआएं कर रहे हैं यार दादा भाई, कुछ तो होश के नाखून ले। बिल्कुल इसी पे बात करेंगे सबसे, कैसा है देखते हैं भाई, खासकर अगर हम देखें तो जिस किसी की बैटिंग लाइन हमारी है और उस पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो नौजवान बैटर्स हैं वो मिडल ऑर्डर पर मौजूद हैं, क्या समझते हैं कि इस मौके पे जिस तरह निजाम साहब कह रहे थे कि शोएब मलिक का इन होना बहुत ज्यादा जरूरी था, सेलेक्टर को उस वक्त सोचना चाहिए था कि हम बड़ा टूर्नामेंट एशिया का खेलने जा रहे हैं T20, उस वक्त अगर ये सेलेक्टर सोचते और टीम में शोएब मलिक शामिल होते, क्योंकि अगर माजी की बात करें तो शोएब मलिक जो है अपने जूनियर्स को बहुत ज्यादा साथ लेकर चलते दिखाई दिए थे। हमारे पास हमने मिडल ऑर्डर पे इफ्तिखार, आसिफ और खुशदिल शाह को रखा हुआ है, गो के हमारे पास मोहम्मद नवाज भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन समझते हैं कि परफेक्ट जो बैटर्स होते हैं उसको जो है मिडल ऑर्डर पे खेलना चाहिए। शहजादे भाई, शोएब मलिक की बात तो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, जब से टीम अनाउंस हुई पूरा पाकिस्तान कर रहा है, सबको पता है कि वो रीढ़ की हड्डी था टीम की, वो टीम को लेकर चल, अगर जूनियर प्लेयर भी जाता था तो उसको, ये जितने भी प्लेयर बने हैं, ये चाहे खुशदिल हो, आसिफ हो, इनको उसी ने प्लेयर बनाया, उसी की पार्टनरशिप जब भी उसके साथ खेले ये क्रीज पर, उन्होंने इनको सीखा शोएब मलिक से, शोएब मलिक जो आपकी टीम को बना रहा था और नीचे जो सिचुएशन थी तो उसी हिसाब से शोएब मलिक खेलता था, रीड कर लेता था कि सिचुएशन क्या है, उसी तरीके से जूनियर को भी लेकर चल रहा था, उसने आपकी टीम को बिल्कुल मजबूत कर दिया। लेकिन पता नहीं क्या वजह हुई, ये पूरा पाकिस्तान यही सवाल कर रहा है चीफ सेलेक्टर से और ये रमीज राजा, वो इतनी बातें करते हैं यार, शोएब मलिक को टीम में आपने नहीं लिया, अब देखे आसिफ हो गया, खुशदिल शाह हो गया, या वो ये नीचे का बैट्समैन हो गया, ये कोई भी इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते कि स्कोर करके देगा, ये तू चल और मैं आया वाली सिचुएशन है। अगर बाबर और रिजवान स्कोर करते हैं और साथ नीचे फखर स्कोर कर देता है तो आपका स्कोर चल पड़ता है, नीचे वाले भी आके रन कर देते हैं, ये हमेशा से पाकिस्तान के साथ होता आया। अब खुशदिल है, खुशदिल हमेशा गलत शॉट खेली और आउट होकर चला गया, आसिफ, आसिफ जी आप छक्के मारेगा,
हर बॉलर जो है ना बिल्कुल सीधा बॉलर नहीं होता। तो अब दुनिया के क्रिकेट में ये बहुत फास्ट हो गई है, T20 में हर बॉलर चालाक है। अब आपने वो सीधे बैट से छक्के मारे, छक्के नहीं लगते भाई, विकेट पे भी ठहरना पड़ता है। अगर आप विकेट पर ठहरेंगे तो स्कोर बनेगा, आप आउट होकर चले जा रहे तो पीछे स्कोर तो नहीं बन रहा। चालाकी की बात की तो जाफर साहब के पास आते हैं, हमने देखा पिछले मैच में जो है पाकिस्तानी बैटर्स को बड़ा परेशान किया शॉर्ट पिच बॉलों ने, तो क्या समझते हैं कि आज के मैच में जो है हांगकांग की जो टीम है वो इस पे रिसर्च कर आएगी पाकिस्तानी बैटर्स को शॉर्ट पिच बॉलों पर बॉल करती, क्योंकि उन्होंने विकेटें गंवाई हैं पिछले मैच में। देखिए हांगकांग के जो कोच हैं आपको पता है कि बिल्कुल उमर गुल हैं, और उमर गुल ने अपनी टीम हांगकांग के नहीं है अफगानिस्तान उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हांगकांग के प्लेयर्स हैं वो तकरीबन आधे पाकिस्तानी और आधे इंडियंस हैं, ठीक है। और ये जो टीम है आप क्वालिफाई करके आ रही है और बहुत अच्छा इसने यूएई को हराया, हालांकि यूएई की टीम बहुत अच्छी टीम थी, उसको हरा के पहुंची है। तो मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जा रहे हैं शॉर्ट पिच का मसला नहीं है। शॉर्ट पिच देखें, उन्होंने जो शॉर्ट पिच की वहाँ पर हमारे प्लेयर्स गलती करके आउट हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि आप देखें, आप फख्र का देखें, आप जिस तरह उसने बाहर के बॉल को उसने टच किया, इसी तरह जो है ना बाबर आजम को वो खैर हो जाता है क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट होता है तो उसमें खेल गए, लेकिन मकसद ये है कि वो हो गए उस पर आउट शॉर्ट पिच पे। लेकिन शॉर्ट पिच उनका वो टारगेट नहीं था इंडियन प्लेयर का, अगर मैं ये कहूँ उनका टारगेट सिर्फ एक ही प्लेयर था बाबर आजम, ठीक है। बाबर आजम को उन्होंने आउट किया किसी भी तरीके से किया, लेकिन अब आप ये देखें पाकिस्तान की जो पूरी टीम चल रही है एक वन मैन शो चल रही है, उस वन मैन शो की वजह से जो है ना बाकी प्लेयर्स जो है ना वो दब गए, वो प्लेयर्स उस तरीके से इस वन मैन शो को हम खत्म कर सकते थे जाफर साहब, जो अगर शोएब मलिक अगर टीम में होते तो शायद वन मैन खत्म करने की बात नहीं है, शायद वो रन करते दिखाई देते। बाबर आजम की जो एक क्लास है वो आउट क्लास है, उसको तो छोड़ ही देना वो जिस तरह खेलते हैं, लेकिन एक बंदे पे टीम नहीं चलती। मकसद ये होता है कि आपको एक लेवल पे रखना पड़ता है हर एक को, आपको शोएब मलिक को भी रखना चाहिए था क्योंकि शोएब मलिक के नीचे कौन है, उसके बाद जो है आपका मिडल ऑर्डर में नीचे है ही नहीं, आसिफ अली क्या आपको जितवा के देता है मैच, ऐसा नहीं है। खुशदिल शाह क्या आपको जितवा के देता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इफ्तिखार को आप कितनी दफ़ा आजमाएंगे भाई, 2014 से वो चल रहा है, अब आप देख लें तकरीबन 8-9 साल से वो खेल रहा है, आप किसी प्लेयर्स को बनाया ही नहीं है आपने। एक आपका आपका कराची का फवाद आलम था, उसको आपने कैसे निकाला, आपने सरफराज को कैसे निकाला, हालांकि मिडल ऑर्डर में ज़्यादातर कोशिश की जाती है एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन हो, वो आप खुशदिल शाह की सूरत में है, लेकिन वो म्यार ही नहीं है, आपको उस म्यार पे पूरा उतर ही नहीं रहा। इन्होंने जो सिलेक्शन किए जिस निज़ाम भाई कह रहे थे, वसीम ने जो सिलेक्शन किए वो सिर्फ और सिर्फ T20 की बुनियाद पर किए, वही T20 टीम वनडे भी खेल रही है, टेस्ट भी खेल रही है, तो अनफिट तो होगी ना भाई। बिल्कुल, इसी T20 पे थोड़ी निज़ाम साहब से बात करते हैं। निज़ाम साहब, जूनियर सुपर लीग होने वाली है 19, उसमें दीगर मुल्क से भी प्लेयर्स आएंगे, समझते हैं कि हम अब T20 पे बहुत ज़्यादा फोकस करते दिखाई दे रहे हैं, गो के इसमें इस टूर्नामेंट में प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पैसे अच्छे मिलेंगे, लेकिन हमारी क्रिकेट तबाह होती नज़र आ रही है, क्योंकि 5-डे क्रिकेट से जो प्लेयर्स निकलेंगे वो T20 से नहीं निकल सकते। देखिए, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जूनियर लीग जो हो रही है ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, क्योंकि आपको प्लेयर नहीं मिलेंगे इससे ना, आपको प्लेयर चाहिए वनडे के लिए, आपको प्लेयर चाहिए टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो आप T20 खिलाएंगे अर्ली एज में लड़के को, तो वो किस तरह का गेम खेलेगा फिर वो? सर, उनके जहन में एक चीज़ आ जाएगी, सिर्फ पैसा। बिल्कुल पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा भी ऐसा नहीं है अपना, कोई स्पॉन्सर नहीं आया उसमें। आप ये देखें, क्रिकेट बोर्ड खुद ही उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्पॉन्सर कोई भी नहीं आया, किसी फ्रेंचाइज ने उसको नहीं लिया है, तो क्रिकेट बोर्ड ने एक प्लान किया था कि हमने करना है, नुकसान हो फायदा हो जो भी हो, एक देखिए पाकिस्तान में पीछे से टैलेंट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि दो साल तकरीबन क्लब क्रिकेट ही नहीं हुई है। क्लब क्रिकेट होगी तो प्लेयर ग्रूम होगा, प्लेयर फिर ऊपर आएगा, वही प्लेयर घूम फिर के जो आपकी पाकिस्तान टीम में वही सिलेक्शन हो जाता है, उसी तरह बाहर हो जाते हैं, बाहर होते हैं लेकिन फिर परफॉर्मेंस भी नहीं होती, फिर भी अंदर आ जाते हैं, वो कैसे आ जाते हैं अंदर वो? तो ये सिफारिश का जो अमल है ना कि चल रहा है पाकिस्तान टीम में, और मैं यही कहता हूँ कि देखिए आप, अगर आपने ये देखा था कि मलिक टीम में नहीं है तो आपको अगर अपनी बैटिंग बढ़ानी थी तो बाबर आजम को पीछे आना था, फिर आप फखर को और रिजवान को ओपन कराते, वरना ना पा जाते, क्योंकि आपकी बैटिंग भी फिर ये वो रन ऊपर से कर देते तो आपको प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर। अब बाबर आउट हुआ आपका, आपकी टीम नीचे से फिर पत्तों की तरह झड़ जाती है वो, तो नुकसान हमें ये हो रहा है बाबर का ना।
बाबर नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसने बहुत अच्छा किया पाकिस्तान के लिए, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसको कि मुझे नीचे आगे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल जिम्मेदारी की बात हो रही है साहब, क्या कहेंगे जावेद साहब कि जो मिडिल ऑर्डर हमारी बैटिंग है, जिस तरह निजाम साहब कह रहे हैं कि जो हमारे ओपनर्स हैं उनमें थोड़ी सी तरमीम करनी पड़ेगी, बाबर अगर नीचे आ जाए और फखर ओपन करें तो कुछ फर्क नजर आएगा, प्रेशर कम होता नजर आएगा आपको? नहीं शहजादा भाई, ये हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, यहाँ हर किसी की अपनी अपनी राय। देखें रिजवान और बाबर ने ओपनिंग में जो है 5 दफ़ा 100 रन का स्टैंड दिया आपको, सेंचुरी पार्टनरशिप है इन दोनों की, लेकिन वो मैं इतफाक है कि स्कोर नहीं लगा, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल सही है, हमारे जो नंबर है ये बिल्कुल सही है, दोनों अच्छा खेल रहे हैं हमेशा से। देखें जब भी हम जीते हैं, चाहे वो इंडिया का फाइनल ले लें वो भी हम इन्हीं की पार्टनरशिप से जीते हैं, इंग्लैंड में खेले तो इन दोनों की जहां पार्टनरशिप लगी है आप मैच जीते हैं। ठीक है अगर वो आउट होता फखर आता, फखर तेज रन बनाने की सलाहियत रखता है, वो मकसद कम बॉलिंग में मिले तो ज्यादा रन बना लेता है। मैं समझता हूं कि इसको चेंज नहीं करना चाहिए, ओपनर ये दोनों सही है, वन डाउन सही है फखर आलम और मिडल में भी सही चल रहे लड़के, लेकिन ये क्या चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा इनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आज के मैच में हैदर अली को भी चांस देना चाहिए, बिल्कुल हैदर अली को चांस देना चाहिए, और मैं तो कहता हूं अगर आसिफ को आप खिला रहे हैं आप उसको वन डाउन ट्राई करें, हैदर अली को ऊपर भेजें, ये रन करके देंगे क्योंकि इनको ड्यू है रन, अगर ये रन नहीं करेंगे तो इनका फायदा क्या नीचे जाकर, जब तक आपके ओवर्स भी खत्म हो जाते हैं और फिर आके आड़ी तिरछी शॉट खेली और आउट होकर आ जा रहे हैं। बिल्कुल आउट होकर आ जाते हैं। जाफर साहब अगर हम देखते हैं कि पार्टनरशिप बाबर और रिजवान की लगती है तो अमूमन यही होता है कि 10 ओवर या 12 ओवर वो खेलते हुए दिखाई देते हैं, बाकी हमारे पास 8-10 ओवर रह जाते हैं, तो उसमें जो मिडल ऑर्डर है हमारी वो आकर तेज खेलती है। जिस तरह आसिफ अली की बात करें, काफ़ी अरसे से आसिफ अली भी 2-4 इनिंग खेला है उन्होंने, उसके बाद कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। इफ्तिखार की अगर बात करें तो इस एज पर भी पाकिस्तानी सेलेक्टर जो हैं उन्हें मुंतखब करते दिखाई दे रहे हैं, तो यकीनन हम समझते हैं कि वहाँ पर भी दोस्ती यारियाँ निभाए नजर आ रही है सेलेक्टर की जानिब से। देखिए बात यह है कि बाबर आजम क्योंकि कप्तान हैं और मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि वन मैन शो कर चलते हैं वो, और मुझे कम से कम मैं अपनी ज़ात से मैं कह रहा हूँ कि मुझे उनकी कप्तानी पसंद नहीं है। जिस तरह शफल करना चाहिए आपको बॉलर्स को, जिस तरह जो है आपको खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए, और मकसद ये होता है कि आपके जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं उनको उस तरीके से आपको प्रॉपर तरीका टाइम पे नहीं दिया जाता। उस प्रॉपर टाइम पे अगर आपको मिल जाए खिलाड़ियों का क्लिक होना तो आपके समझ में आ जाएगा खिलाड़ी किस तरीके से चल रहे हैं। तो मकसद ये है कि बाबर आजम अगर ओपनर आ रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज है कि इसमें जो आज जो टीम खिलाई जा रही है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई है इस टीम के अंदर, तो समझते हैं हमारी राय जहां तक थी वो बिल्कुल बेसुध साबित हुई, आज कोई तब्दीली नहीं है इस टीम के अंदर। यकीनन हम पिछले जो मैचेस हैं अगर उठाकर देखें तो जिस किस्म की परफॉर्मेंस है, तो शायद आज के मैच में हम इस डर और खौफ को बुजदलाना शायद हम ये समझ कर नहीं खेल पा रहे हैं कि यार हम मैच कहीं हार ना जाएं। देखिए मुझे हांगकांग की टीम की एक बात बड़ी पसंद आ रही है कि वो ब्रेव फैसला कर रहे हैं, और आपने देखा इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली और पाकिस्तान के खिलाफ भी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली। तो मकसद ये है कि अभी जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान की बैटिंग आ गई है और बैटिंग में आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हांगकांग जो फैसला कर रहा है वो मेरी मतलब या तो उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है वो इस वजह से फैसला कर रहा है या फिर कोई और स्ट्रेटजी है। हालांकि इतनी बड़ी टीम नहीं है लेकिन वो बड़ी टीमों के खिलाफ पहले फील्डिंग ले रही है, इट्स मीन कि कोई ना कोई तो उनके कोई ना कोई राज जरूर है हांगकांग की टीम का कि वो टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला करती जरूर दिखाई दे रही है, और वो भी बड़ी टीमों के खिलाफ। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हुए तो मजीद मैच पे गुफ्तगु करेंगे। वक्फे से पहले बात हो रही थी पाकिस्तानी टीम की अनाउंस के हवाले से, जो टीम आज सेलेक्ट की गई है आज के मैच में हांगकांग के हवाले से। जाफर साहब के पास आते हैं। जाफर साहब एक दफा फिर शायद डर और खौफ हमारे अंदर कप्तान के अंदर है मैच हारने का, तो शायद टीम में तब्दीली नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हसन अली एज ए सीनियर फास्ट बॉलर टीम के साथ वहाँ मौजूद हैं, वो के हमारे पास हारिस रऊफ और नसीम शाह थोड़े से अनफिट ज़रूर थे पिछले मैच में, फिटनेस मसाइल ज़रूर होते दिखाई देते, लेकिन जब थोड़ी सी कमज़ोर टीम हो और आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर हसन अली मौजूद हो, गो के हम देखते थे कि पहले मैच में हम उम्मीद रखते थे कि हसन अली पहला मैच खेलेंगे लेकिन हमें पहले मैच में भी वो दस्तयाब होते हुए नज़र नहीं आए,
एज ए सीनियर मेंबर है, हसन अली को टीम में जरूर शामिल करना चाहिए था, क्या समझते हैं? देखिए ये मौका बड़ा अच्छा था उसके रिदम में आने का हसन अली के, और इसी तरह के मैचेस जब मिलते हैं तो एक बॉलर या एक बैट्समैन जो है वो रिदम में आ जाता है अपने, तो गलत फैसला मेरे ख्याल में तो हसन अली को लाजमी होना चाहिए था। नसीम शाह को आराम करवाते, वो अगले मैच के लिए उसको फिट करते हैं। अब देखें आधी टीम जो है ना वो तकरीबन आपको पता है कि अनफिट चल रही थी पिछले, अब कितना कितना जोर लगा लिया होगा, कितनी इतनी मेहनत कर ली होगी मेडिकल पैनल ने कि उन्होंने ला के टीम को खड़ा कर दिया। मकसद ये है कि आपको इफ्तिखार अहमद भी गलत जगह पे है, आपको हैदर अली को खिलाना चाहिए था आज के मैच में। ऐसे मौके पर ऐसी टीम के खिलाफ आप उन प्लेयर्स को तो आजमाएं जिनको ज़रूरत है, जिनको चाहिए कि भाई ये प्लेयर्स हमारे हैं इनको खिलाना है। बैकअप प्लान कैसे तैयार होता है? इसी तरीके से तैयार होता है। आपने वही टीम लेके आपने मैदान में उतार रहे हैं। अब देखें अगला मैच, अगर अल्लाह करे कि आज का मैच हम जीत जाए और अगला मैच आ जाता है हमारा अगर किसी अफगानिस्तान से और या किसी भी टीम से आ जाता है तो उसके खिलाफ फिर कैसे खेलेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि मुसलसल खेलती हुई आ रही है, क्या इनके थकन का एहसास नहीं हो रहा? ये चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी बहुत ज़रूरी होती है। उस रोटेशन पॉलिसी में कोई प्लेयर्स है ही नहीं। आप देख लें आपके सामने ये जो फैसला, मैं नहीं समझता क्योंकि हांगकॉन्ग ने बड़ा अच्छा फैसला किया, ब्रेव फैसला किया, पाकिस्तान ने वही फैसला कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए। अच्छा फैसले पे बात करते हैं निजाम साहब से। निजाम साहब है बड़ी टीमों के खिलाफ जो है टॉस जीतकर फील्डिंग करना, कैसा देखते हैं हांगकॉन्ग की टीम को? किस चीज़ को वो अपना स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि उनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि हम दीगर जो पाकिस्तानी बैटर्स हैं उनको फंसा लेंगे? बड़ा ब्रेव डिसीजन है मैं समझता हूँ कि, और इसलिए डिसीजन है कि वो पठान टीम का कप्तान नज़ाकत खान बड़े हौसले बुलंद हैं उनके, और वो क्वालिफायर जीत कर आ रहे हैं तो ये जाहिर है मेहनत की है उन्होंने, उनका जज्बा है खेलने के लिए, और वो पाकिस्तान टीम को इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि टफ टाइम देंगे, क्योंकि वो एक हमें देखें हारने का अफसोस नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कोई चीज़ है नहीं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ उसकी। बिल्कुल टीम के हवाले से, और जिस तरह सीनियर्स प्लेयर्स अगर टीम में एक दो ज़रूर होने चाहिए, जिस तरह जाफर साहब भी और इकबाल साहब भी यही जिक्र कर रहे थे, शोएब मलिक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते थे इस टीम के अंदर। देखिए शोएब मलिक अगर आपके पास होते हैं तो आपको एक तो ये है कि आपकी बैटिंग बढ़ जाती, फिर आपको जो है बैटिंग के साथ साथ जो जूनियर प्लेयर आपके खेलने के लिए आते हैं। सर जूनियर प्लेयर्स को आप चांस कहाँ दे रहे हैं? इफ्तिखार को आप खिला रहे हैं, हैदर अली को बेंच पे बैठाया हुआ है। खुशदिल शाह है, खुशदिल शाह तो आपका जूनियर ही है ना, जाहिर सीनियर तो नहीं है। अगर वो मलिक के साथ खेल रहा होगा तो मलिक उसको खिलाएगा साथ खिलाए, लेकिन जब एक लड़का टीम में ही नहीं है और इतना सीनियर मेंबर जिसको आपको वर्ल्ड कप में आपको उसको अगर लेके जाना है तो आपको एशिया कप में उसको खिलाना चाहिए। तो अगर वो आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है तो फिर आपने अच्छा फैसला किया कि मलिक आपकी टीम में नहीं है। निजाम भाई जिस तरह आपने पहले कहा था कि मोहम्मद वसीम के लैपटॉप में जो है ना वो वायरस आया हुआ है शायद, बिल्कुल शान मसूद और शोएब मलिक का नाम उनके इसमें नहीं है। जावेद साहब है जिस तरह जिक्र हो रही है शान मसूद के हवाले से, समझते हैं कि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है पीएसएल में फिर काउंटी क्रिकेट के अंदर, तो इस टीम के अंदर जहां पर हमने टेस्ट मैच में भी उनको ले जाया गया लेकिन वहां भी चांस नहीं दिया गया, और फिर जब T20 के एक्सपर्ट के तौर पर वो बाकायदा जो है रन करते भी दिखाई दिए लेकिन वो इस टीम के अंदर मौजूद नहीं है। सिलेक्टर जिस तरह निजाम साहब कह रहे हैं कि चीफ सिलेक्टर लैपटॉप पर टीम सेलेक्ट करते नजर आते हैं, उस लैपटॉप के अंदर शान मसूद और शोएब मलिक का नाम नहीं है। बिल्कुल वो शोएब मलिक का तो चले कर दिया लेकिन शान मसूद के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती है। आपको टेस्ट मैच में खेल कर दे रहा है, काउंटी पे 50 पे 50, 100 पे 100 कर रहा है। आपको क्या रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? कोई 1000 रन बनाए एक इनिंग में? आपका वो डिजर्व कर रहा था प्लेयर, आप उसको लेकर ही नहीं गए, नाम तक नहीं उसका आया, तो देखे ना उसका नतीजा यही आ रहा है। अभी जैसे हम कह रहे हैं शोएब मलिक नहीं, अगर शान मसूद भी होता ये भी आपको लेकर चलता और वो टच में स्कोर पे स्कोर कर रहा है। जैसे जाफर भाई ने शोएब मलिक की बात की जो बैटिंग जूनियर सीखने को मिलता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अगर स्पिन विकेट होती है आपको 4 ओवर भी निकाल देता है, आपको विकेट भी प्रोवाइड कर देता है, जो बॉलर नहीं ले सकते अपने सीनियर बॉलर नहीं ले सकते विकेट भी लेकर दे देता है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है वसीम ने क्या किया। अब तो मामला ये हो गया, अब तो खैर वो बाहर हो गया, अब उसको तो शामिल ही नहीं करना। मेरा मुझे नहीं लगता कि अगला कोई प्लान हो उनको शोएब मलिक को शामिल करने का वर्ल्ड कप के हवाले से, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब जो टीम है आप समझते हैं इस टीम में क्या इफ्तिखार अहमद की जगह बनती है? इफ्तिखार अहमद के क्रेडिट पे देखें कितने मैच है, कितने मैच जितवाए उसने डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल उसने कभी मैच नहीं जितवा कर दिया, और उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता कि ये गया है इसने स्कोर कर देना है। हम तो जब भी बैटिंग कर लेगा हमें पता है कि इसने जब भी मुश्किल टाइम आएगा ये आउट होकर आ जाएगा, और ऐसे ही होता है, वो अपने 20-25 रन किए और जहां रिक्वायरमेंट के रन रेट बढ़ाना है वो आउट होकर वापिस आ जाते हैं। ये हमेशा से ये है उनके क्रेडिट पे, एक भी मैच नहीं इंटरनेशनल जो उन्होंने जितवा कर दिया
सिंगल हैंडेड बिल्कुल जितवाने की बात है। निजाम साहब के पास आते हैं, निजाम साहब हमारे पास नसीम शाह, शाहनवाज, दानी, हारिस, रऊफ और दीगर फास्ट बॉलर इस वक्त जो है टीम का हिस्सा है हसन अली समेत, तो समझते हैं कि हमें एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नौजवान जो मीर हमजा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है डोमेस्टिक के अंदर और पाकिस्तान शाहीन की तरफ से भी वो प्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है, तो समझते हैं कि इस टीम के अंदर जहां पर आपने मोहम्मद हसनैन को या हसन अली को तलब किया था वहां मीर हमजा को तलब करना चाहिए था इन्हें सेलेक्टर को। शहजादा भाई गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले आपने हसन अली को सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है जी, हसन अली की परफॉर्मेंस नहीं थी बहुत अच्छा किया आपने, उसके बाद आपने उसको बुला लिया, फिर आपने हसनैन को बुला लिया, ठीक है जी, दो प्लेयर आपके पास वो मौजूद है फास्ट बॉलर। अच्छा फिर बात जब आती है मीर हमजा की, मीर हमजा ने हर मौके पे परफॉर्मेंस दी है आपको ना, चाहे वो इस कैंप में आप देख लें, कैंप में उसने बॉलिंग की, पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर आउट किए ऊपर से ना ओपनर, बिल्कुल ऐसे ही था जो मैच साइड मैच। लेकिन बात ये है कि एक लड़का लाइकिंग में नहीं है, डिसलाइकिंग लाइकिंग का चक्कर है यहाँ पे सीधा सीधा भाई। बात ये कि अगर आपकी आप डिक्शनरी में नहीं है किसी की तो आप नहीं खेलेंगे, क्या कुछ भी कर ले, लेकिन आप देखें आप इसी तरह शहूज शकील के साथ भी जाती होती दिखाई दे रही है, बहुत जाती हो रही है, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनको ये चाहते हैं कि साइड लाइन कर दिया जाए लेकिन उनके परफॉर्मेंस इतनी है कि वो बार बार घूम के आ जाते हैं। अब हसन अली को आपने बुलाया क्यों, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही बात सर, हसनैन को क्या जरूरत थी इंग्लैंड से बुलाने की, ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हसनैन अभी ताजा ताजा जो है अपने एक्सरे सेट कर आए थे, बॉलिंग रिथम पे वापस आ रहे थे, आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट उसको दे दिया, जो परफॉर्म करते हुए डोमेस्टिक में आ रहे हैं उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हसनैन को आपने जब वहां से बुलाया तो आपका काम था कि उसको खिलाना, नहीं खिलाना तो उसको बुलाना नहीं चाहिए, तो फिर हसन अली को आपने क्यों बुलाया, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। अगर आपने बुलाया था तो आप उसको यूटिलाइज तो कर दे कि भाई हमने उसको खिलाना है मैच, और ये बड़ा अच्छा मौका था कि उसको खिलाने का आपको मैच, कि वो अपनी रिदम में आ जाता, फॉर्म में आ जाता, बिल्कुल रिदम में फॉर्म में आ जाता। हसन अली के हवाले से जाफर साहब इस वक्त अगर देखें तो शाहीन शाह, शाहनवाज धानी और शाहीन शाह आफरीदी के बाद अगर हमारे पास जो मेन स्ट्राइकर बॉलर है तो वो हसन अली एज ए तजुर्बेकार मौजूद हैं, लेकिन क्या वजह है कि उसे जो है टीम मैनेजमेंट जो है मैचेस देने में कतराती हुई नज़र आ रही है, आज के मैच में भी नहीं खिलाया उसे, इंडिया के मैच में भी, हालांकि इंडिया के मैच में उम्मीद थी कि वो खेलता हुआ दिखाई देता है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह कोच और खिलाड़ी जख्मी हो रहे हैं या इंजर्ड हो रहे हैं, हो सकता है हसन अली भी कहीं कोई मसला हो उसके साथ, हालांकि दुबई जो है वो उसका ससुराल है, उसको ससुराल में खेलना चाहिए मेरे ख्याल में। और मकसद ये है कि हसन अली को नो डाउट जिस तरह का प्लेयर हो, आपको पता है कि 2017 में आईसीसी का नंबर वन खिलाड़ी था वो, ठीक है, उसका 2019 के चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में पाकिस्तान को अहम किरदार उसने अदा किया था, और ऐसे प्लेयर जब होते हैं तो लाजमी तौर पर वो, और उनका कमबैक आप देखें जिस तरह उन्होंने लास्ट ईयर कमबैक किया था, पाकिस्तान टीम में पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था और अपनी टीम को जितवाया था, बिल्कुल ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही हल्का खेला हो, जितवा कर उसने कमबैक किया था। अब आप ये देखें कि जब आप, निजाम भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जब आपके पसंद नापसंद चीज चल रही होगी ना टीम के अंदर तो खिलाड़ी जो है ना वो नुकसान का सबब तो बनेगा, उसके साथ ज्यादतियां तो होंगी। अब हसन अली के साथ मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत ज्यादती हो रही है, उसको आज के मैच में खिलाना चाहिए था, देखिए नसीम शाह को थोड़ा सा आराम देते और वह अगले मैच में फिर रिधम के साथ हुआ था। अब वही बात है कि शायद कप्तान के या टीम मैनेजमेंट के जहन में खौफ है, नहीं खौफ है, हांगकांग से खौफ है, जिस तरह उन्होंने खौफ जो उनके दिल में बैठा हुआ है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इंडिया भी खौफ ज्यादा थी, अब आप देखें रोहित शर्मा, क्योंकि जो फेस रीडिंग होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो माहिरीन ने यही कहा कि इंडिया का जो कप्तान था वो बड़ा खौफजदा था और उसी में वो आउट हुआ। तो इसी तरीके से आप ये देखें कि पाकिस्तान भी मुझे लग रहा है कि खौफजदा है हांगकांग से, ऐसा ना हो कि वो एशिया कप से ही बाहर हो जाए, यानी कि आप पे पाकिस्तान, मैं खौफजदा की बात कर रहा हूँ, करोड़ों शायकीन जो पाकिस्तानी हो बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं पाकिस्तानी टीम से कि आज का मैच पाकिस्तान जीते और एशिया कप जीतना चाहिए। हांगकांग आपको पता है कि एक मेरे ख्याल में ये 2014 के बाद अब क्वालिफाई किया इसने एशिया कप के उसके लिए T20 के लिए किसी इवेंट के लिए, तो ऐसी टीम नहीं की जिससे हम खौफजदा हों, तो होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल खौफजदा होने वाली टीम के हवाले से भी जाफर साहब आपसे बात करेंगे। निजाम साहब आपसे बात करते हैं, PPDCA कैसा आप देखते हैं अब आने वाले टूर्स को आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन 2007 से काम कर रही है फिजिकल डिसेबल्ड क्रिकेटर्स के लिए, और आने वाला हमारा जो नेशनल चैम्पियनशिप है वो इंशाल्लाह पाइपलाइन में, उसकी तैयारी है, अमीरुद्दीन अंसारी साहब मेहनत कर रहे हैं शब और रोज, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है वो
टूर्नामेंट यहाँ होगा कराची में इंशाल्लाह। बिल्कुल कराची में होगा, लेकिन हम देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप की बड़ी कमी है निज़ाम साहब, है क्या वजूहत हैं कि स्पॉन्सरशिप इस तरफ नहीं आते दिखाई दे रही? देखिए मुल्क के हालात अब तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इकोनॉमी ख़राब है, जब से कोरोना आया था तो बहुत हालात ख़राब हो गए थे, कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं था। बात यह कि अब स्ट्रगल करना पड़ती है हर चीज़ के लिए ना, स्पॉन्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिल रहा जूनियर लीग के लिए, तो डिसेबल क्रिकेट में स्पॉन्सर कहाँ से आएगा? मुझे जूनियर लीग तो जिद लीग कहला रही है, मुझे नहीं लगता कि वो जूनियर लीग कोई इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आप हमारे मेन टीम का हाल देखें निज़ाम भाई, जावेद भाई, जो हमारे प्लेयर्स अब जो सिलेक्शन हो रही है वो T20 की बुनियाद पर हो रही है, और जब हमारे जूनियर प्लेयर जो है वो T20 खेलेंगे तो उनका मकसद क्या रहेगा? सिर्फ 4 ओवर खेलना है और 16 रन बनाने हैं और आप टीम में आ जाना है। तो मकसद ये है कि जो हमारे 4-4 डे मैचेस हुआ करते थे उसका तो एक टेम्पो ही खत्म हो जाएगा, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ चली जाएगी? सारे नौजवान तबका जो है वो इस लीग पे चला जाएगा, तो ये एक जिद लीग लग रही है मुझे, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई। अच्छा चेयरमैन साहब 2 माह के बाद कराची पहुंचे, लाहौर पहुंचे, क्या कहेंगे इस पे? बड़ी अहम मीटिंग भी चल रही है आज, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मीटिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि आने के बाद मीटिंग और मुलाकातें यही चलती हैं। आप ख़वातीन प्लेयर से भी आपने मुलाकात की, आपने बहुत सारी मीटिंग्स भी की, लेकिन मकसद ये है कि चेयरमैन का यहाँ होना, क्योंकि जो पोस्ट होती है ना चेयरमैन है वो एक जाफर जनरल कौंसल मीटिंग जो है तकरीबन 1 साल के बाद आज हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए 1 साल बाद जो हो रही है इसमें रीज़न है ना, 2 महीने तो आप निकाल दें छुट्टियों के, इसके बाद आप ये देख लें कि कितना आपने तगदो के कराची के कितने चक्कर लगे आपके, पहले आप लगा रहे थे, आप यहाँ पे पिच लगा रहे थे, आप उस पर बात नहीं बनी, फिर आप लीग के लिए आपने चक्कर मारे यहाँ पे कोई स्पॉन्सर वगैरह शिप के लिए, उसमें भी आपकी बात नहीं बनी, लेकिन आपने ठान ली है कि हमने लीग करवानी है, जिस तरह के हमारे सबका प्राइम मिनिस्टर ने ठान ली थी कि हमने क्रिकेट के जो है ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को सारे डिपार्टमेंट को बंद करना है, तो वो ठान ली थी। मतलब मकसद ये है कि किसी चीज़ को ठान के नहीं, जब आप एक पोस्ट पे हो तो आपको पूरे सबको देखना पड़ता है, आपको पूरे पाकिस्तान को देखना पड़ता है कि जिसमें सबका मफाद शामिल हो और सबकी बेहतरी हो, आप ये ना देखें कि आप अपनी जिद के आगे जो है ना आप क्रिकेट को तबाह कर रहे हो, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब आप मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि जितने आपके जो फ्रेंचाइजेज हैं, जो हमारे PSL एक ब्रांड है, हमारे मुल्क का ब्रांड है, जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया के लोग इस पे नजरें लगाए बैठे हुए होते हैं, अदम दिलचस्पी का बाइस बनती नजर आ रहा है। इसका रीजन ये है कि जब इतना टाइम लगाएंगे मीटिंग्स, इसके लिए तो आपका इस टाइम फाइनलाइज हो जानी चाहिए ना चीजें। अब आपने डेट दे दी है, आपकी जो है 9 फरवरी से इवेंट शुरू हो रहा है और 19 मार्च तक रहेगा, आपने डेट दे दी है, लेकिन उस डेट में क्या क्या मसाइल रहे हैं, उसमें क्या क्या करना है, किसका क्या प्लान हो, आपको हर चीज़ आपको इस मीटिंग्स पे ये मामला हल होते हैं ना। अब एक मीटिंग में आपने सारे फैसले कर दिए, डेट भी दे दी है, आपने फ्रेंचाइजीज को भी कह दिया, इट्स मेन कि आप अपने ऊपर से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ये नजर आ रहा है। बिल्कुल जान छुड़ाना चाहते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद साहब आज किस प्लानिंग के साथ हम जाना चाहिए, क्योंकि हमारी पहले बैटिंग है, तो कितना स्कोर करना चाहिए हांगकांग के खिलाफ? नहीं आज इंशाल्लाह स्कोर लगेगा, स्कोर बनेगा बोर्ड पे, आज स्कोर होगा और यही प्लानिंग हो जाए शुरू की, सिर्फ जो आप सर्कल है ना उसे यूज कर लें, वो कोई इतनी बड़ी साइड नहीं है, बिल्कुल आउट क्लास कर सकते हैं हमने। आज तो कम अज कम 200 तो क्रॉस करना चाहिए पाकिस्तान टीम को। उनकी स्ट्रेंथ हांगकांग की स्ट्रेंथ बॉलिंग नहीं, उनकी बैटिंग है स्ट्रेंथ, वो इसीलिए पहले बैटिंग देते हैं तो मुखालिफ टीम को, वो टारगेट चेस करते हैं और उनमें बहुत मेहनती लड़के हैं, उनमें वो यानी के जो डिलीवरियां करते थे बच्चे, जो ये फूड पांडा वगैरह, वो इतने मेहनती बच्चे उसमें आए हुए हैं कि हम और आप सोच भी नहीं सकते, और वो यहां तक पहुंच गए इस स्टेज तक तो आपको पता है वो जान लड़ा देंगे। तो पाकिस्तान टीम को बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन ये कि स्कोर आज बनेगा, स्कोर बन जाएगा, स्कोर बनेगा। जाफर साहब आज के मैच में क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी आज के मैच के लिए? देखें जो हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं, हम इतना ज़्यादा स्कोर नहीं बना किसी भी एक मैच में, अगर हम वनडे की बात करें तो उसमें 280-290 तक पहुंच जाती है टीम, लेकिन 300 क्रॉस नहीं कर पाती, और T20 में मुझे लगता है कि 180 से ऊपर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 180 या 185 इससे ज़्यादा नहीं लगता मुझे। अच्छा जाफर साहब इस टूर्नामेंट के अंदर अफगानिस्तान की टीम ने बड़ा अपसेट करती दिखाई दे रही है, बड़े अच्छे उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की इस टूर्नामेंट के अंदर, बैटर्स ने बड़ी अच्छी टारगेट को चेस किया है, तो समझते हैं कि खतरे की अलामत है इस टीम को फाइनल में देखते नजर आ रहे हैं आप, क्योंकि हमारे जो साबका फास्ट बॉलर हैं उमर गुल वो इस टीम के कोच हैं?
देखिए बहुत अच्छा खेलती है, और मैं आपके इसके सबका अगर थोड़ा सा रिकॉर्ड भी बताऊं तो ये शुरू के मैचेस बहुत अच्छा खेलती है लेकिन एंड में जाके थक जाते हैं अफगानिस्तान, ये समझ में नहीं आता। हालांकि स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं लेकिन एंड में इनका रिजल्ट वो चीज़ नहीं आती जिसका होना चाहिए था। जिस तरह आपने देखा कि उमर गुल बड़ा अच्छा करवा रहे हैं आपसे, बॉलिंग लाइन बड़ी अच्छी हो रही है, इनकी कप्तानी बहुत अच्छी हो रही है। आप ये देखें नबी की जो कप्तानी है, मैं उससे बड़ा इंप्रेस हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से शफल करते हैं, स्पिन बॉलर्स के लाते हैं, फास्ट बॉलर्स के जिस तरह यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छा है। इवन ये कि उनकी बैटिंग लाइन में डेप्थ है, जिस तरह हमारा आसिफ अली छठे सातवें नंबर पे आके खिलाते हैं इसको हार्ड हिटिंग के लिए, इस तरह उनका जजई है मेरे ख्याल में, मुझे नाम जजई गुरबाज़ और अपने रे उनके नहीं नहीं सातवें नंबर पे जिसने मैच 67 बनाया उन्होंने, नजीबुल्लाह जरदान, देखिये वो उनका भी यही प्लान है कि सातवें नंबर पे जो होता है प्लेयर वो होता है आपका बिल्कुल मेन होता है T20 के लिहाज से सातवें नंबर है। निजाम साहब प्रोग्राम में टाइम कम है, क्या स्कोर सेट करना चाहिए पाकिस्तान को? देखें स्कोर कोई भी हो पाकिस्तान को जीतना चाहिए, ठीक है ना। और देखें अगर इस मैच में डिसाइडेड है कि पाकिस्तान पप्पू रेल में पप्पू जेल में पप्पू जी जावेद साहब 200 जाबर साहब 180-185 बिल्कुल 180-185 का टारगेट पाकिस्तानी टीम देगी तो शायद पाकिस्तान की टीम आज का मैच जीत जाए। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निज़ाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैच शुरू में कुछ लम्हे बाकी है, पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो चुका है, इस मैच में कोई तब्दीली नहीं की गई, जो इंडिया खिलाफ टीम खेली थी वही टीम आज का मैच भी खेलते हुए दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि पाकिस्तान आज के अहम मैच में कामयाबी हासिल करेगा और फाइनल फोर में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। इसी के साथ आज का प्रोग्राम अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब खिलाड़ी परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।